ये उपचुनाव बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परीक्षा लेकर आए हैं और बिहार में पार्टी की सीधी टक्कर नीतीश तेजस्वी के महागठबंधन से है। तो तेलंगाना के केसीआर के टीआरएस से अपनी सीट बचाने के लिए पार्टी के लिए चुनौती भी साबित होगा। अब यूपी के लखीमपुर खीरी जिले के गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। वहीं गोला गोकर्णनाथ सीट पर 6 सितंबर को बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के दिल का दौरा पड़ने से निधन के चलते खाली हुई है ये सीट। बीएसपी और कांग्रेस ने इस उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं खड़े किए हैं, लिहाजा अब यहाँ बीजेपी उम्मीदवार और दिवंगत विधायक अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी और इसी सीट से पूर्व में विधायक रह चुके सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच सीधा मुकाबला होता दिख रहा है। वहीं बिहार विधानसभा की 2 सीटों मोकामा और गोपालगंज पर उपचुनाव के लिए मतदान होना है। दोनों सीटों पर सत्ताधारी महागठबंधन में शामिल राष्ट्रीय जनता दल राजद और विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के बीच कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। मोकामा सीट पर पहले राजद का और गोपालगंज पर बीजेपी का कब्जा था। बीजेपी पहली बार मोकामा सीट से चुनाव लड़ रही है। अब महाराष्ट्र में मुंबई की अंधेरी विधानसभा क्षेत्र के लिए उपचुनाव बीजेपी उम्मीदवार के लिए पिछले महीने मैदान से हटने के बाद महज एक औपचारिकता भर है। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना धड़े की उम्मीदवार ऋतुजा लटके के अब आराम से जीत दर्ज करने की पूरी उम्मीद है। तो बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। तो तेलंगाना की मुनुगोडे सीट पर कड़ी नजर है और वहीं बिहार में मोकामा और गोपालगंज पर 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। बिहार में चाचा भतीजे की जोड़ी की अग्नि परीक्षा है तो वहीं तेलंगाना में भी कड़ी नजर है। यूपी के गोला गोकर्णनाथ सीट पर चुनाव है। मुंबई में मशाल की अग्नि परीक्षा होगी। तो बड़ी खबर आपसे हम साझा कर रहे हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी, अलग अलग सीटों पर और कड़ा मुकाबला देखा जाएगा। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें हैं जहां उपचुनाव होना है और ये राज्यों में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। बिहार की बात करें तो चाचा भतीजे की अग्नि परीक्षा है, 2 सीटों पर उपचुनाव है और बीजेपी आरजेडी में कड़ी टक्कर देखी जा रही है। वहीं बिहार में मोकामा और गोपालगंज की बात करें तो आज मतदान होना है, जिसको देखते हुए काफी तैयारियां की गई हैं। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपसे हम साझा कर रहे हैं। तेलंगाना की मुनुगोडे सीट है जिस पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ऐसे में 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटें हैं और इन पर आप देख सकते हैं आज उपचुनाव होना है। दिन भर तस्वीरें खास रहेंगी।